हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है शनिवार और तारीख है 18। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। तो हम लोग सुबह सुबह उठे हैं और घर का जो है पूरा ज़ोरदार साफ़ सफाई चल रहा है, क्योंकि शिवरात्रि है तो घर का साफ़ सफाई तो बनता है। तो देखिए, बेड वगैरह मेरा क्लीन हो चुका है और मम्मी का भी बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ। उसके बाद जो है घर का डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा कर लेंगे मैं और भाभी सब मिलके, और उसके बाद सभी लोग एक एक करके नहाएंगे और बच्चे लोग को भी नहलाएंगे और घर में फिर मम्मी पूजा करेगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो इसीलिए जो है सब मिल बाँट के फटाफट आज जल्दी उठे हैं और सारा काम निपटा लेंगे जल्दी से। तो जो ये सब काम रहता है ना, बेडशीट वगैरह चेंज करने का, वो मैं करती हूँ और हमको बहुत मज़ा आता है सब करने में, अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो ये सब जब काम रहता है तो मैं ही करती हूँ। तो देखिए जल्दी से कर लेते हैं। और उसके बाद जो है श्रीजल बाबू को नहला चुकी हूँ, तो अभी श्रीजल बाबू को तैयार कर दूँगी और उसके बाद छोटकू को नहलाऊँगी, उसके बाद रौनक को नहलाऊँगी। तीनों बच्चों को जो नहाने का जिम्मेदारी है वो मैं संभालती हूँ डेली, तो उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो देखिए पहले श्रीजल बाबू को नहला के रेडी शेडी कर दे रही हूँ। और ट्यूशन भी जाना है, बोल रही थी कि मम्मा आज नहीं जाएंगी, आज पूजा है, मंदिर जाना है तो नहीं जाएंगे। हम बोले नहीं, जाना ही पड़ेगा ट्यूशन, भले ही जल्दी आ जाना लेकिन गैप नहीं करना है। तो श्रीजल को इसीलिए बहुत बोलने के बाद तैयार हुई है जाने के लिए, तो मैं रेडी शेडी कर दी हूँ और पहुँचा दूँगी ट्यूशन। तो बस आधा घंटा पढ़ के और आ जाएगी, उसके बाद मंदिर जाने टाइम श्रीजल को भी बुला के और चले जाए। और गाइस सभी बच्चे को नहला कर और मैं भी अभी नहा ली हूँ और हेयर वॉश करके नहाई हूँ, क्योंकि पूजा करना है और महाशिवरात्रि है तो पूजा तो करना बनता ही है। और देखिए सभी बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। और दीदी जो है ना, बड़ी वाली दीदी रौनक को गोद ली है, तो छोटकू मेरी जो गुस्से में है और रो रही है कि हम लेंगे रौनक बाबू को गोद में, बहुत छोटी है लेकिन जिद्दी है थोड़ा सा, मतलब उसको भी जो दीदी करेगी वो करना रहता है। तो देखिए अभी जब गोद में ली है तो कितनी खुश हो गई है मेरी छोटकू, बहुत शरारती हो गई है दोस्तों आजकल। तो भाई को जो है दोनों बहन देखिए कितना प्यार कर रही है, दोनों बहन खींच रही है कि हम लेंगे, वो बोल रही है हम लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग तैयार हो के अब जो है निकल रहे दोस्तों। मम्मी पूजा कर ली है घर में, हम लोग भी आशीर्वाद ले लिए हैं भगवान जी से, उसके बाद जा रहे हैं मंदिर। तो देखिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं और भाई आगे निकल चुके हैं गाड़ी लेकर, पार्किंग में बाहर आएंगे तो हम लोग अभी जो है अभी नीचे जा रहे हैं, देख सकते हैं। और अभी गाड़ी में बैठ गए और बातें बातें में पहुंचने वाले हैं मंदिर। तो देखिए स्टेडियम दिख रहा है दोस्तों, ये है गोवा का स्टेडियम। स्टेडियम के पास ही शिव मंदिर है, दामोदर मंदिर यहाँ बोला जाता है, तो वही अभी हम लोग जाएंगे। और उसके बाद जब गए हैं दोस्तों, इतना भीड़ लगी हुई थी ना, इतना उम्मीद नहीं था, मतलब गोवा में ज़्यादा मतलब नहीं इतना, ये फेस्टिवल होते हैं सब जगह लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। लेकिन देखिए यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि मंदिर पूरा दुल्हन के जैसे सजे हुए हैं और जो भीड़ है पूरा लाइन लगा हुआ था, बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था दोस्तों। लेकिन जो है भगवान जी का दर्शन हम लोग को बड़े ही आसान से हो गए। देखिए अभी रोड क्रॉस करके हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे। अभी जो ये हाईवे रोड है ना, इधर से हम लोग को रोड क्रॉस करना है, तो टाइम लग रहा है यहाँ पे, गाड़ी के लिए रुके हुए हम लोग। तो देखिए दोस्तों अभी जाएंगे हम लोग वो तरफ। और भीड़ देखिए लाइन और मतलब मेला भी लगा हुआ था, इतना कभी नहीं लगता था, फर्स्ट टाइम इतना लगा है। उधर 2 साल तो कोरोना ही नहीं था, तो सभी जो पूजा पाठ थे वो भी रुक चुके थे। तो अभी जो है पूरा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ फूल वगैरह मिल रहा है, बेच रही है तो मम्मी खरीद रही है फूल, अगरबत्ती, प्रसाद जो भी है यहाँ पर सब मिल जाते हैं यहाँ से लेके। और हम लोग जाएँगे अंदर,
पूजा करने के लिए, लेकिन लाइन में नहीं लगे दोस्तों। भगवान का कृपा रहा कि जल्दी से हम लोग दर्शन कर लिए। जो पीछे वाली गेट होती है उधर से हम लोग घुसे हैं, पंडित जी का अनुमति लेके हम लोग दूसरा साइड से अंदर घुसे हैं दोस्तों। और पूजा करके हम लोग को जल्दी ही पूजा हो गया और बेलपत्र वगैरह सब लेकर आए थे, प्रसाद वगैरह, देखिए मिठाई का डब्बा और नारियल, सारे प्रसाद है वो लेकर जाएंगे अंदर और भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे। और देखिए सिरजल बाबू को जो है बैलून दिखा, तो बैलून ही चाहिए पहले, लेकिन नानी बोल रही थी कि पूजा कर लेंगे उसके बाद लेना बाबू, लेकिन सुनती नहीं है ना सृजल, थोड़ा सा जिद्दी हो गई है, तो बैलून तो नहीं ली, दूसरा खिलौना ली और पहले ही चाहिए उसको। तो नानी तो होती ही है सबका, मतलब बच्चे लोग का जो है मन बढ़ाने का काम नानी दादी सभी लोग का करते ही है। तो मम्मी बोली बच्चे जिद कर रहे तो पहले बाबू को दे देती हूँ लेके, उसके बाद चलेंगे। तो देखिए बहुत ही तरह का खिलौना वगैरह यहाँ पे मिल रहा था और बच्चे तो पूरा खुश हो जाते हैं ये सब देखकर। और ख़ासकर सृजल तो बहुत ही मतलब जो है ना जिद्दी है और उसको चाहिए ही, और जिद्दी होगी भी क्यों ना ही, मतलब मामू जो हैं पास में, नानी हैं, तो सभी लोग जिद पूरी करते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों देखिए लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं, और बने रहिए वीडियो में, आप लोग देखिए पूजा हम लोग का। तो गाइस मंदिर के अंदर जाकर हम लोग पूजा कर लिए हैं, और देखिए यहाँ पे बाहर आने के बाद चना और ये मूंगफली जो है एकदम भुना हुआ मिल रहा था, जो बालू में भून के जैसे बनाते हैं ना वैसा वाला था, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गोवा का हर फेस्ट में और हर पूजा पाठ में जहाँ भी मंदिर जाइएगा तो चना और मूंगफली भुना हुआ मिलता है, तो वो ज़रूरी होता है लेना। और देखिए अभी भी देखिए दोस्तों लाइन एकदम लगा हुआ है पूरा, तो हम लोग अगर लाइन में लगते तो 2-3 तो बचता ही था, लेकिन अच्छा हुआ हम लोग मतलब जल्दी कर लिए, भगवान का आशीर्वाद ले लिए। तो देखिए अभी खिलौना वगैरह फिर दिखाई दिया सृजल को, फिर और रुक गई है लेने के लिए, उसके बाद आ गए इधर मेला में। खिलौना वगैरह ही ज़्यादा मिल रहा था, एक दो जो है कॉस्मेटिक का दुकान था, तो हम लोग कहाँ छोड़ते, लेडीज़ लोग भी तो ऐसे ही लालची होते हैं ना, कॉस्मेटिक दिखा कि मतलब लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ लिए यहाँ से, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अभी घर के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो देखिए रौनक बाबू मेरा राजा बाबू बन के मेरा गोद में बैठा हुआ है, और आजकल बाबू भी मेरा समझने लगा है, बाहर जाते ही बहुत खुश हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अभी बात बात में हम लोग जो है घर पहुँच जाएंगे, घर के पास ही है, बस 10 मिनट लगता है घर से जाने में। तो देखिए पहुंच गए हम लोग मेला से घर और पार्किंग में आ चुके हैं, और देखिए खिलौने सब लेकर और कितने खुश है बच्चे। सृजल तो पूरा खेलते जा रही नीचे से ही, और छोटकू तो पूरा मतलब मंदिर में और हमेशा मामू के गोद में ही रही है, छोटकू को मतलब मामू ही हमेशा संभालते हैं बाहर जाने के बाद। तो गाइस कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए थे वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।